हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो रिसेंटली गाइस, कॉग्निजेंट ने अपने रिजल्ट आउट किए हैं। काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी मेल आ चुकी है एंड अभी काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर अभी अपकमिंग इंटरव्यू होने वाले हैं। काफी शॉर्टलिस्टिंग मेल ऑलरेडी आ चुकी है, तो मेरे डीएम्स, मेरी मेल्स फ्लड हो चुके हैं मैसेजेस से। काफी स्टूडेंट्स के ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ चुके हैं, मेल्स आ चुकी है कि भैया इतना कॉग्निजेंट का बेकार रिजल्ट आया, इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉग्निजेंट जो एक मास रिक्रूटर कंपनी है, एंड अगर हम टारगेट करके चलते हैं कि कोई अगर आपके कॉलेजेस के अंदर स्टार्टअप आ रही है तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि वो 5 स्टूडेंट्स ले जाएगी, 10 स्टूडेंट ले जाएगी। बट अगर मैं बात करता हूँ एक कॉग्निजेंट जैसी कंपनी की जो मास रिक्रूट मतलब एक मास हायरिंग करती है, अगर इतनी बड़ी कंपनी 10 स्टूडेंट या 15 स्टूडेंट लेके जाए तो यार एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑब्वियसली होता है। एंड यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, लक फैक्टर क्या चलता है, क्या क्या चीजें बैकएंड में काम कर रही है, ये सब कॉग्निजेंट को पता है। तो वीडियो ध्यान से देखना, वीडियो एंड तक देखना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, एंड जितने स्टूडेंट्स भी चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कम्युनिकेशन के बारे में। तो आपको पूरा एक प्रोसेस पता है कि कम्युनिकेशन असेसमेंट पहले कॉग्निजेंट कराती है, उसके बाद एप्टीट्यूड असेसमेंट कराती है, उसके बाद आपका टेक्निकल असेसमेंट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा कम्युनिकेशन असेसमेंट है। एप्टीट्यूड असेसमेंट के अलग एक शॉर्ट लिस्टिंग आती है, फिर टेक्निकल असेसमेंट होता है, फिर यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। अब बात करते हैं मैसेज के बारे में, जो काफी स्टूडेंट्स का ऑलरेडी मेल आ चुकी है, काफी स्टूडेंट्स की जो मैसेजेस आ चुकी है। हेलो अमन सर, देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु हैव सॉल्व ऑल द कोडिंग क्वेश्चंस। जो टेक्निकल असेसमेंट के अंदर आपकी कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, क्लस्टर वाइज जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, आपने क्लस्टर चूज किया होगा वहां पे कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, एंड डूइंग वेल इन एप्टीट्यूड राउंड, जो आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट था जिसके अंदर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आते हैं, बट दे वर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपने आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट है और आपका टेक्निकल असेसमेंट है और आपको ये दोनों असेसमेंट अच्छे करने और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, ठीक है, बट अगर आपके ये दोनों असेसमेंट अच्छी तरीके से आप कर लेते हो, काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एप्टीट्यूड असेसमेंट भी अच्छी तरीके से किया, एंड ये सिर्फ एक मेल में आपको शो कर रहा हूँ, ऐसी कम से कम 10-15 ईमेल्स मेरे ईमेल बॉक्स में पड़ी है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, 10-15 मेल ऐसे ही सेम स्टूडेंट की पड़ी है। तो आप ये देखोगे कॉग्निजेंट के कितने शॉकिंग रिजल्ट रहा है इस बार, मतलब कॉग्निजेंट का कितना एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा है। एप्टीट्यूड और टेक्निकल असेसमेंट अगर आपका अच्छा जाता है, काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एप्टीट्यूड के काफी अच्छी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, काफी स्टूडेंट्स ने टेक्निकल असेसमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से दिया है। एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल असेसमेंट काफी अच्छा देने के बाद भी आपका एक मन के अंदर होप होती है कि मेरे इंटरव्यू की ऑलरेडी कॉल आ जाएगी, बहुत आराम से इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। क्योंकि जब आप कोई भी एग्जाम अच्छी तरीके से देकर आते हो तो आपको ये पता होता है कि मैंने एग्जाम कैसा दिया है, क्या मेरी आगे की लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मेरा नाम आएगा या नहीं नाम आएगा, तो ये चीज आपको पता होती है। बट अगर आपका नाम नहीं आता है तो यार ये एक बहुत मतलब एक बेकार फीलिंग होती है कि स्टूडेंट के हिसाब से। एप्टीट्यूड और टेक्निकल असेसमेंट अच्छा करने के बाद भी साफ साफ लिखा है, देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु हैव सॉल्व्ड ऑल द कोडिंग क्वेश्चंस एंड डूइंग वेल इन एप्टीट्यूड राउंड बट दे वर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू एंड ओनली 4 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड आउट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए गए थे, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हुए हैं। तो आप एक चीज देख पा रहे होगे कि अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, अगर मैं यहां से बात करूं, 600-700 स्टूडेंट बैठा होगा कॉग्निजेंट हायरिंग के लिए, जिसके अंदर सबसे पहला राउंड कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, ठीक है, उसके बाद एप्टीट्यूड असेसमेंट। काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर एलिमिनेशन हुआ था, कम्युनिकेशन भी काफी के कॉलेजेस के अंदर एलिमिनेशन नहीं हुआ था। अब ये देखो कि 700 स्टूडेंट्स बैठ रहा है, एप्टीट्यूड असेसमेंट टेक्निकल असेसमेंट के अंदर भी कुछ शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, इंटरव्यू तक कुल 49 स्टूडेंट्स गया है इस कॉलेज के, एक पर्टिकुलर कॉलेज की बात करें तो 49 स्टूडेंट्स कुल इंटरव्यू के लिए गए हैं, उसमें से सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो एक कॉग्निजेंट जैसी मास हायरिंग कंपनी अगर ऐसा काम करेगी तो यार एक स्टार्टअप इससे बढ़िया है। तो कॉग्निजेंट अगर मैं आपको बोलूं, काफी स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया है कॉग्निजेंट का एंड काफी स्टूडेंट्स को रिजेक्शन आया होगा, तो पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात बोलने वाला हूं, आप लोग एक स्टेप अप हो, तो बिल्कुल भी गाइस डीमोटिवेशन मत लेना आपके भैया आपके साथ। अगर आपका कभी भी कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मेल कर सकते हो। एंड देखो, मोटिवेशन की कोई नीड नहीं है, ना मैं आपको मोटिवेशन देने आया हूँ, बट मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। एंड कभी भी कंपैरिजन मत करना, जिनका सिलेक्शन हुआ ये मत सोचना
किनका सिलेक्शन हो गया, मेरा रिजेक्शन क्यों हुआ है। ये सब चीज आपकी जिंदगी के अंदर चलती रहेगी। अभी आपके पास 1000 मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, अगर ऑफ कैंपस भी बात करें, ऑन कैंपस भी बात करें, तो दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज अभी आपके पास है। तो ये मत सोचना भी आपके पास एक लंप सम में बात करता हूँ, एक पूरा का पूरा एक साल आपके पास है। अभी आपकी फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग है, अभी आपके कॉलेजेस के अंदर भी मल्टीपल कंपनीज आने वाली है, असेंचर भी आ चुकी होगी काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर, कैप जैमनी, टीसीएस जो टीसीएस का जो ऑफ कैंपस होता है वो एक आपकी मास हायरिंग करेगा। क्या करेगा? मास हायरिंग करेगा। टीसीएस एक बहुत बढ़िया कंपनी है, तो अपना प्रिपरेशन और अपना टारगेट रखना, जितने भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि टीसीएस के अंदर जॉब लग जाए, वो अपनी प्रिपरेशन अगर रखोगे तो आप इजीली टीसीएस के अंदर जॉब ले लोगे, क्योंकि टीसीएस एक बड़े मतलब एक बड़े लेवल पे हायरिंग करती है, एक मास हायरिंग करेगी, तो वहां पे सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो गाइज बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की नीड नहीं है, अपनी मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एक ना एक दिन किसी ना किसी कंपनी के अंदर आपका जरूर होगा। एंड जिस दिन आपका होगा उस दिन मुझे मेल जरूर करना कि भैया सिलेक्शन हो गया है। सो गाइज इतनी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो अभी कॉग्निजेंट के बारे में ज्यादा मत सोचना, जो रिजल्ट आया एक्सेप्ट करो, ठीक है, जो भी देखो इनके अंदर बैकएंड में प्रोसेस चलता है वो इनके ऊपर छोड़ दो। काफी चीजें लक जो होता है ना, लक एक बहुत बड़ा मैटर है प्लेसमेंट्स के अंदर, एक काफी मैटर चलता है। मतलब कभी कभी आपकी मेहनत भी एक तरफ रखी जाती है अगर आपका लक अच्छा होता है तो। प्लेसमेंट्स इज ऑल अबाउट द लक, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। अब ये मत सोचना कि भैया मेहनत बेकार जाएगी, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आपकी जरूर काम आएगी। बट प्लेसमेंट्स के अंदर लक काफी चलता है, लक भी काफी चलता है। आप लोग देख पा रहे होगे कि आपके साथ के स्टूडेंट्स जिनको कुछ नहीं आता है उनकी प्लेसमेंट्स हो जा रही है और आपकी नहीं हुई है, तो यहाँ से आपकी एक डिमोटिवेशन आएगी। तो इसलिए गाइज मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल कंपैरिजन करने की नीड नहीं है। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए होस्ट करने जा रहे एक बिगेस्ट असेंचर सेशन। जितने भी स्टूडेंट्स के कॉलेज के अंदर अभी असेंचर इंटरव्यू होने वाले या असेंचर एग्जाम होने वाले, अभी कॉग्निजेंट तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस होगी, बट अभी असेंचर अगर आपके हाथ में है, अगर आपके कॉलेज के अंदर आने वाली है या आपका इंटरव्यू है, तो एक ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो हम आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आ चुके हैं जिसके अंदर हम आपको सारी चीजें बताने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू के अंदर पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस असेसमेंट के अंदर पूछे जा रहे हैं। पूरी कंप्लीट गाइडेंस होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए, तो सारी चीजें मैं इस सेशन के अंदर आपको बताने वाला हूँ। 21 अक्टूबर मतलब कल ये सेशन होस्ट होने वाला है, 9 PM to 10 PM इसकी टाइमिंग रहने वाली है। एंड जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी अपना स्लॉट बुक कर लो, लिमिटेड सीट्स है, फिर बाद में मत बोलना कि भैया सेशन बुक नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों के लिए गाइज लिमिटेड सीट्स है, जल्दी जल्दी स्लॉट्स बुक कर लो, काफी चीजें सीखने वाले सेशन के अंदर, तो जल्दी जल्दी अपनी सीट्स बुक कर लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया। अगर प्राइस की बात करें तो 99 rupees जो एक बहुत मिनिमम अमाउंट हमने इसकी रखी है, जिससे सभी स्टूडेंट्स इस सेशन के अंदर आके चीजें सीख सके। नाउ कम टू द 1-to-1 मॉक इंटरव्यू राउंड। अब आप काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भैया 1-to-1 मॉक इंटरव्यू राउंड क्या है। देखो अभी आपके अपकमिंग इंटरव्यूज होने वाले हैं, चाहे आपके किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो आपका सेंचर का इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका कॉग्निजेंट का हो, कैप जैमनी का हो, किसी का भी इंटरव्यू, तो आपका जब भी कोई भी इंटरव्यू शेड्यूल होता है, अभी आप देखो अभी आपका स्टार्टिंग फेज है तो आपको कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम होगा। तो आप लोग के लिए हम एक मॉक इंटरव्यू लेके आ चुके हैं। अगर आपको अपना मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सेशन वाला लिंक मिलेगा, इसमें जब आप ओपन करोगे तो वहां पे आपको 1-to-1 मॉक इंटरव्यू राउंड भी मिलेगा, तो जाके आप इसको भी बुक कर सकते हो अगर आपको मॉक इंटरव्यू कराना है। इसका प्राइस भी हमने जस्ट 149 rupees रखा है, प्राइस बहुत मिनिमम रखते हैं जिससे आप लोग को काफी हेल्प हो जाए। इसके अंदर आपको 1-to-1 मॉक इंटरव्यू होगा, आपको बिल्कुल एक ऐसा लगेगा कि आपको एक इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा हो जिसके अंदर मैं आपसे 1-to-1 क्वेश्चंस करने वाला हूं। तो ये सब चीजें आप लोग के लिए आ रही है, अभी काफी कंटेंट आप लोग के लिए आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। देखो गाइज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी काफी कंटेंट आप लोग को चैनल पे देखने को मिलेगा। एंड अभी काफी कंटेंट, बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ। सो गाइज होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, देखो काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, क्वेरी रहती है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, बट बहुत सारी कमेंट होती है तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट जितनी भी मेरे से रिप्लाई हो पाएगा मैं उतनी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। एंड अपने कॉलेज का सिनेरियो जरूर बताना कि कॉग्निजेंट के अंदर आपके कॉलेज के अंदर कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, कितने स्टूडेंट्स का शॉर्ट लिस्टिंग की मेल आई है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।